मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से 4 से 9 मार्च 2024 तक बसंतपुर के निकट सतलुज नदी में आयोजित की जा रही एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर चैंपियनशिप शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही है। देश विदेश से आए हैं पार्टिसिपेंट्स, कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है हमने अपने प्रायोरिटी सेक्टर को दो भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो हमारा टूरिज्म है, और टूरिज्म में कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए, एडवेंचर टूरिज्म के संबंधित है या वाटर से संबंधित है, उन एक्टिविटीज़ को हिमाचल सरकार पिछले 14 महीने से प्रमोट कर रही है। पहले एशियन राफ्टिंग जो हुई वो हमीरपुर में नदौन ब्यास में हुई, ये दूसरी एशियन राफ्टिंग जो है जो आज सुन्नी से स्टार्ट हो रही है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, तकरीबन 6 बाहर की कंट्रीज आई हैं, तो वर्ल्ड राफ्टिंग चैम्पियनशिप है। इसके लिए मैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और जो इनके हमारे अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद सर। इसके अलावा शानन प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है सर, वो चाह रहे हैं कि लीज का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। देखिए, कैबिनेट में हमने फैसला किया है कि हमें भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोई आप इस पर कार्रवाई ना करें, और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो पंजाब सरकार गई है उस सिलसिले में हम उनसे संवाद स्थापित करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम अपने वकील के माध्यम से वो लड़ाई भी हम लड़ेंगे। सर, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, कह रहा है कि अभी भी सरकार अस्थिर है, इंतजार करें, जल्दी सरकार गिरेगी। ये तो उन्हीं से पूछो। धन्यवाद सर। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।